अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स, और आप सभी का आज के इस बजट स्पेशल एनालिसिस में, ये जो आज हम एनालिसिस करेंगे निफ्टी और निफ्टी बैंक की, ये एनालिसिस इस पूरे हफ्ते के लिए मतलब 31 जनवरी 2021 तक के लिए वैलिड है, और जो नेक्स्ट वीडियो अब आपको मिलेगी वो डायरेक्टली 1 फरवरी को बजट डे के दिन मिलेगी। तो क्या क्या चीजें हो सकती हैं, क्योंकि अभी जब हम इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आज मंडे का ट्रेडिंग सेशन कंप्लीट हो चुका है और मार्केट क्लोज हुई है नीचे, जैसा कि एक्सपेक्टेड था कि नीचे गिरना चाहिए, 133.133 पॉइंट्स लोअर बंद हुई है निफ्टी। अब यहां से जो मुझे लगता है कि 2-3 केसेस हो सकते हैं जिनकी अभी हम आगे चल के बात करेंगे, किस तरीके से बजट में प्राइस एक्शन रह सकती है, किस तरीके से बजट में, और क्या लोगों की एक्सपेक्टेशन है, क्या लोगों की साइकोलॉजी है, वो सारी बातें हम करेंगे। आपको याद होगा जब मैंने वीडियो बनाया था तो इस ये जब बाजार ऊपर जा रही थी, आई वॉज नॉट हैप्पी, क्योंकि ये जो मूव आई थी ये मूव हमें अच्छी नहीं लग रही थी, इतना कंफर्ट फील नहीं हो रहा था जब ये ऊपर की 2-3 कैंडल बनाई थी निफ्टी ने, क्योंकि एक जो नीचे के टारगेट्स रहे हुए थे निफ्टी के, वो डिसकंफर्ट जो था प्राइस में, प्राइस पैटर्न में, प्राइस एक्शन में, वो दिख रहा था, और इसकी वजह से जब बाजार ऊपर जा रही थी तो हम इतने खुश नहीं थे, हमने सोचा था कि कुछ साइडवेज वगैरह कर देगी या तो ये बजट के पहले। लेकिन अभी जब की क्लैरिटी आ चुकी है तब हमें किस तरीके से अपनी अप्रोच रखनी है। कल 26 जनवरी है, आप सभी को एडवांस में 26 जनवरी की नेशनल हॉलिडे भी है और हमारा रिपब्लिक डे भी है, तो ढेर सारी शुभकामनाएं। अब बजट में 3 केसेस हो सकते हैं, पर पहले जो हम शुरुआत करेंगे वो हम साइकोलॉजी से करेंगे, और मैंने बहुत सारे YouTube चैनल्स भी देखे कि लोग क्या कह रहे हैं, आखिर हम साइकोलॉजी कैसे रीड करते हैं जब हम लोगों की विचारधाराओं को सुनते हैं, लोगों की साइकोलॉजी को समझते हैं कि वो क्या समझ रहे हैं। कुछ ट्विटर अकाउंट्स भी देखे मैंने। अब जो एक खेमा है जिसको हम लोग बियर्स ग्रुप कहते हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल जो भी टेक्निकल ट्रेडर्स हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक लाइन लगा दी यहाँ पे और इसको कहा कि ये आपका पहला टॉप हो गया और ये आपका सेकंड टॉप हो गया। ठीक बात है ना, पहले हम साइकोलॉजी समझते फिर हम अपनी एनालिसिस अंत में दिखाएंगे। तो ये उन्होंने बोला कि ये आपका पूरा डबल टॉप बन गया, एम बन गया पूरा, अब ये यहाँ से नीचे आना चाहिए और कम से कम ये 13,200-13,400 तक आना चाहिए। तो ये जो कम बेरिश लोग भी हैं, देखिए दो तरीके के लोग हैं, एक तो इस बाजार में बुल्स हैं और दूसरा इस बाजार में बियर्स हैं, लेकिन जो कम बियरिश लोग भी हैं दे आर आल्सो एक्सपेक्टिंग निफ्टी टू कम डाउन एटलीस्ट टूवर्ड्स 13,200। देखिए लोगों की एक जो इच्छा दबी हुई रह गई इस पूरी रैली में वो ये इच्छा थी कि हम बाजार को बेच पाए। अब बाजार ऑलरेडी अपने हाई पे पहुंच गई है, नीचे आने के लिए कुछ इवेंट वगैरह होगा तो नीचे आएगी। अब उनको लगता है एक जो आशा की किरण जगी है, जो उम्मीदों का उनका दीपक जगा है कि ये जो बजट आएगा, इस बजट में हो सकता है कुछ ऐसी खुशखबरी आ जाए बियर्स खेमे के लिए और यहाँ से बाजार गिर जाए। परंतु जो हम सोचते हैं वो बाजार में होता कहाँ है, और ऐसा भी नहीं है, देखिए प्राइस में भी थकान है, बाजार भी ऊपर जाके थकावट प्राइस में दिख रही है, जो गिरावट आ रही है पिछले 3 दिनों से प्राइस में भी थकावट है, इसको नहीं इग्नोर कर सकते। अगर आप कोई भी जो भी एक तो लोग डबल टॉप देख रहे हैं, दूसरा अगर आप RSI वगैरह लगा दीजिए तो इसमें सब में ये डाइवर्जेंस दिखना शुरू हो गई, देखिए कितना बड़ा डाइवर्जेंस है, तो डाइवर्जेंस भी दिख रहा है लोगों को, RSI अगर वीकली पे देखें तो ओवरबॉट भी दिख रहा है और हमको डबल टॉप भी दिख रहा है। तो आपके पास बेचने के लिए हर वो कारण है जो एक बेचने वाले को, एक बियर को चाहिए, वो सारे कारण आज के दिन बाजार में अवेलेबल है। PE देखें, जो फंडामेंटल एनालिस्ट हैं थोड़े और स्मार्ट हैं, तो PE भी बढ़ा हुआ है, स्क्रीमिंग सेल के जोन में चला गया है। लेकिन अगर हम साइकोलॉजी को ब्लेंड करें, देखिए प्राइस तो
पिछले 6 महीने से प्राइस में थकान दिख रही है, प्राइस नीचे आना चाह रही है, और जब जब हमने इसमें साइकोलॉजी को ब्लेंड किया और हम हमेशा बायर रहे, ये बहुत बड़ी बात है कि हम 10,000 से लेके 14,500 तक बीयर्स ग्रुप में कभी रहे नहीं, हम हमेशा करेक्शन के बाद खरीदते रहे, बुल्स वाले खेमे में रहे, और लोग हमेशा इस बाजार को बेचना चाह रहे थे पिछले 6 महीने से, और बाजार ऊपर चलता गया। अब एक्चुअली में क्या हो सकता है, क्योंकि देखिए लोग को लगता है अब नहीं गिरेगा तो कब गिरेगा, कब गिरेगा, है ना, हो सकता है वो यहां से नहीं गिर के 15,000 से गिरे, भाई बाजार है वो ऊपर जा रही, वो नीचे भी आएगी, बाजार में रैलीज भी आती है, फॉलें भी आती हैं, लेकिन ये कब फॉल आएगी नोबडी कैन टेल यू। हो सकता है आप यहाँ से, लोग 13,000 से एक्सपेक्ट कर रहे थे वो नहीं आई, 14,000 से कर रहे थे वो नहीं आई, हो सकता है कि वो 15,000 से आए, तो बजट में क्या आएगा क्या नहीं आएगा दैट आई डोंट नो, लेकिन हम प्राइस एक्शन को देख के और उसमें साइकोलॉजी का तड़का लगा के, साइकोलॉजी को समझ के एक रियल इंटरप्रिटेशन जरूर इस वीडियो में ड्रॉ कर सकते हैं और करेंगे। इसलिए बिल्कुल अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन प्रेस करें कि कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो आपकी मिस ना हो, बड़े इम्पोर्टेंट दौर में हम जी रहे हैं। और नीचे डिस्क्रिप्शन में फ्री टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है, फ्री टेलीग्राम चैनल बजट डे के अपडेट्स के लिए जरूर ज्वाइन करें। बजट डे के दिन हम फ्री चैनल पे अपने ट्रेड शेयर करेंगे, अपॉर्चुनिटी शेयर करेंगे और सभी इम्पोर्टेंट अपडेट शेयर करेंगे, तो बिल्कुल इस अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें और नीचे लिंक दी हुई है, फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। दूसरी बात, बियर्स की हमने बात कर ली, बियर्स खेमे में क्या होगा, पर प्राइस एक्शन और साइकोलॉजी की हम बात कर रहे थे। आपने देखा होगा पिछले 6 महीने से हम साइकोलॉजी को ब्लेंड करके कैसे हम बाइंग करते रहे, और हम पिछले 6 महीने से बाजार में पूरी रैली हमने कैप्चर की, पूरा मूव हमने लिया है। अब इम्पोर्टेंट ये है कि करंट मार्केट प्राइस पे बाजार कैसी दिख रही है। ठीक है, बाजार ओवरबॉट है, बाजार में क्या कहते हैं, डाइवर्जेंस वगैरह है, डबल टॉप बना, लेकिन देखिए बाजार आपको ऐसे मोड़ पे छोड़ देगी बजट के पहले। बाजारें क्या करती है, इवेंट के पहले, अगर आपको याद होगा ये इवेंट था जो बाइडन वाला, यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन था, सभी को याद होगा, इसने आपको यहाँ पे छोड़ दिया, वेरीफाई भी आप करते चलिए, तो बाजार क्या करती है, हमेशा आपको ऐसी जगह पे छोड़ती है जहां पे बुल्स भी कंफ्यूज्ड है और बियर्स भी कंफ्यूज्ड है कि ऊपर जाएगा या ये नीचे आएगी, दोनों कंफ्यूज्ड हो उस स्टेट में जाके, उस लेवल पे जाके बाजार आपको छोड़ देती है। अब अगर हम करंट मार्केट सिनेरियो में अगर देखें तो बाजार अगर इसी जोन में 14,200-14,300 में जाके बंद हो जाए तो ये फिर से वही कंफ्यूजन स्टेट हो जाएगा। तो वो जो कंफ्यूजन की स्टेट आएगी जहां पे दोनों लोग, देखिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, आप इसको 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, जब तक बात समझ में ना आए, जो एक कंफ्यूजन वाला लेवल है, जहां पे कंफ्यूजन लेवल में इसको लिख सकती हूँ, जहां पे बुल्स और बियर्स दोनों कंफ्यूज हो जाए, क्योंकि अगर आपने डबल टॉप बना दिया और मैं नेकलाइन को ब्रीच करके नीचे क्लोज हो जाऊं तो बियर्स को लगेगा बाजी हमने मार ली, अगर मैं बुल्स को लगता है कि ये जो गैप है ये नहीं भरना चाहिए और वो यही सी गैप में ही क्लोज हो जाए तो बुल्स को लगेगा कि हम तो बने हुए हैं अभी पिक्चर में, हम बाहर नहीं गए, तो ये ऐसी स्टेट है जहां पे दोनों कंफ्यूज्ड हैं, दोनों को लगता है हम सही है, बाजार कहेगी तुम भी पार्टिसिपेट करो, तुम भी पार्टिसिपेट करो, और दोनों को लगना चाहिए कि वो सही है, फिर जो करना होगा वो बाजार ने करेगी वो, तो वो जो लेवल ऑफ कंफ्यूजन है वो मैं आपको दिखाती हूँ कौन सा जोन आएगा, क्योंकि लोग जो नेकलाइन ड्रॉ कर रहे हैं, दिस इज द नेकलाइन, क्योंकि इसको लिख भी देते हैं नेकलाइन, तो और क्लैरिटी आ जाएगी इस वीडियो में। नेकलाइन लिख दिया मैंने, नेकलाइन किसकी है, ये डबल टॉप की नेकलाइन है, ठीक है ना, और क्लियर लिख देते हैं, डीटी नेकलाइन, डबल टॉप की ये नेकलाइन है, डबल टॉप की नेकलाइन है, अगर इस नेकलाइन के नीचे आ जाए तो बुल्स को लगेगा, बियर्स को लगेगा कि नेकलाइन ब्रेक हो गई, अब तो इसको 13,200 आना चाहिए, और अगर ये इसी जोन में रहती, ये जो गैप वाला एरिया ये फिल नहीं होता तो बुल्स को लगेगा कि अभी तो हमारा गैप फिल ही नहीं हुआ,
तो मेरे हिसाब से वो जो कंफ्यूजन वाली स्टेट है जिसकी हम बात कर रहे थे, बुल्स और बियर्स, जहां पे दोनों कंफ्यूज रहेंगे, वो 14,200 का जोन है, यानी 14,200 का जो जोन है, इस जोन में दोनों कंफ्यूज रहेंगे। तो इसके लिए बाजार हो सकता है शार्पली जाए इस हफ्ते नीचे और इसको रिकवर करके इसी जोन में आके बंद हो जाए। ये एक पॉसिबिलिटी है जो मुझे लगता है कि हो सकती है, क्योंकि अगर हम इसको छोटे टाइम फ्रेम पे देखें, देखिए ये 15 मिनट का चार्ट है, 15 मिनट के चार्ट में एक ये जोन था जो आज ब्रेक हुआ, जिस तरीके से निफ्टी नीचे जा रही, हो सकता है बुधवार के दिन हम इस नेक लाइन को 200 के नीचे, ये जो बॉटम बना इसको ब्रेक करके और नीचे जाए। आज हमने ये बॉटम टच कर दिया है, तो मैक्सिमम फॉल जो हमको एक्सपेक्टेड है निफ्टी में, वो इस जोन में फॉल एक्सपेक्टेड है, 14,000 के जोन में। दिस इज योर 14,100 एंड दिस वॉज योर अर्लियर टॉप। ये 14,000 की जोन है, 13,960, 70 और 14,000 की ये जो जोन है इसमें आ सकता है। तो इस तरीके से यहाँ पे निफ्टी इस जोन में फॉल कर सकती है। तो हम कुछ केसेस की बात कर लेते हैं अब यहाँ पे, कि एक तो जो लोग सोच रहे हैं वो मुझे नहीं लगता होगा, और मुझे नहीं लगता है कि हम डबल टॉप का टारगेट करेंगे। आपको मार्केट एक कंफ्यूजन के स्टेट में जरूर छोड़ेगी, क्योंकि देखिए किसी की बात नहीं है, लेकिन मार्केट्स बाय नेचर दे आर ट्रैपिंग, समवंस प्रॉफिट इज समवंस लॉस, एक का प्रॉफिट दूसरे का नुकसान है, आपके पॉकेट से पैसा निकल के किसी की जेब में जा ही रहा है। तो ये कुछ सिद्धांत है जिसके आधार पे स्टॉक मार्केट बना है, जिसको हम बदल नहीं सकते। हमें इसके साथ, इस चेंज के साथ, साइकोलॉजी को प्राइस एक्शन के साथ ब्लेंड करके यहाँ पे जीना होता है। तो हम पहले केस नंबर वन की बात करेंगे। केस नंबर वन की जो मुझे लगता है कि पहले हम 14,200 की ये जो नेक लाइन बनी है, या जो पिछला ये वाला जो बॉटम लगा है, इसके नीचे नया बॉटम लगाना चाहिए निफ्टी को। तो हम इसके नीचे जाएं और 14,000 के, यानी 14,000 के जोन्स में जाएं। अगर हम इस जोन में जाते हैं, अब जोन से मेरा तात्पर्य ये है कि हम 14,050 से लेके 13,950, 10-50 पॉइंट ऊपर नीचे किधर भी जाके, पर इस जोन में हम पहले जाएं। वहां से हम पहले इस जोन में आए, फिर हम इससे रिकवरी कर सकते हैं। ठीक है, रिकवरी की हमने 14,200 के आसपास, और इसी जोन में जाके हम बजट के पहले बंद हो गए। तो ये पहला केस है। ओवरऑल बजट के पहले या बजट के बाद मुझे लगता है कि बाजार अपनी करेक्शन करेगी और फिर हम यहाँ से ऊपर जाएंगे। ठीक है, दूसरी बात ये होती है कि अगर बाजार को यहाँ से ऊपर जाना है, बाजार जैसे कि हम उम्मीद कर रहे हैं कि यहाँ से बाजार बजट के बाद बॉटम वगैरह लगा के जाएगा, तो एक इसमें कॉन्सेप्ट होता है कि जो इवेंट वाले, इवेंट मार्केट होती है ना, इवेंट मार्केट जो होती है, इट कंप्लीट समथिंग, कुछ तो है जो ये कंप्लीट करती है। मतलब कि कुछ तो क्या है वो भी हम बात करेंगे। कोई ऐसा जोन, कोई ऐसा लेवल जो जो अभी तक टेस्ट नहीं हुआ है, कोई ऐसी जगह जो डिसकंफर्ट पैदा कर रही है ऊपर की मूव के लिए। सपोज मान लीजिए निफ्टी ऊपर जा रही है, पर इसका एक यहाँ का टारगेट बचा हुआ है, तो ये इवेंट कारण बनेगा इस टारगेट को टेस्ट करके। अब जैसे ही ये लेवल टेस्ट हुआ, इसका ये डिसकंफर्ट दूर हो गया, फिर बाजार ऊपर चल देगी। तो एवरी इवेंट मार्केट और इवेंट डे, इट कंप्लीट्स समथिंग। आपने सुना भी होगा, देयर इज अ वेरी फेमस प्रोवर्ब कि नथिंग हैपेंस विदाउट अ रीजन और एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन। तो इट कंप्लीट समथिंग, देयर इज अ रीजन बिहाइंड दिस फॉल, यू कैन से। हो सकता है इसको 15,000 जाना इसलिए आज ये गिर रही है, एक मौका दे रही है आपको। बियर्स को सबसे ज्यादा, बियर्स ट्रैप होंगे, बुल्स अंदर आएंगे, बहुत सारी चीजें हम देखते आएंगे कि कैसे कैसे होती है। पर ये जो इवेंटफुल मार्केट है, ये जो इवेंटफुल बाजार है, इट विल कंप्लीट समथिंग। एक बात ये हो गई। ठीक है, अब हम जो केस नंबर टू की बात कर रहे थे, केस नंबर टू हमारा ये हो सकता है कि हम आज हम खड़े हैं 14,250 पे, हम यहाँ से ज्यादा नीचे जाए ही नहीं, इसी रेंज में 14,000, मान लीजिए हमने ये रेंज बना ली है 14,500 ऊपर में और 14,000
100, 200 भी मान ले, तो ये हमने नीचे की एक रेंज बना ली और इसी रेंज में हम इवेंट तक साइडवेज करते रहे। देखिए जितना गिरना होगा ये वेडनेसडे तक गिर जाएगी, अगर उसके बाद नहीं गिरता है तो ये बाजार नहीं गिरेगा, फिर ना फिर ये थर्सडे को गिरेगा ना फिर ये फ्राइडे को गिरेगा, और सीधा जो बाजार गिरता नहीं है वो ऊपर चलता है, जो चीज नीचे नहीं जाती वो ऊपर जाती है, ये स्टॉक मार्केट का सिद्धांत है। अगर बाजार ऊपर नहीं जाता तो वो नीचे जाता है, तो अगर ये फिर नहीं गिरा रेंज में साइडवेज हो गया तो नहीं गिरना अपने आप में बुलिशनेस है, फिर इवेंट के बाद ऊपर चला जाएगा। तो इस रेंज में साइडवेज हम रह सकते हैं और उसके बाद हम देखेंगे, 1 तारीख को आपको अपडेट मिलेगी ही कि उसके बाद क्या होता है। केस नंबर 3 की हम बात कर लेते हैं। केस नंबर 3 की बात यह है कि अभी हमारे पास 3 दिन बचे हैं, ठीक है, 3 दिन बचे हैं ट्रेडिंग के, और अभी अगर हम देखें तो इसको 250-300 पॉइंट ऊपर जाना है, रिकवरी करनी है, बंद होना है, तो हो सकता है कि 3 दिनों में मार्केट बहुत ज्यादा वोलाटाइल रहे, बहुत ज्यादा वोलाटाइल करे ऊपर नीचे, और यहीं का यहीं जहां पे हम क्लोज हुए यहीं पे आके क्लोज हो जाए। तो तीन तरीके के केसेस मैंने आपको बताया, एक तो जिसमें पहले डिप आए फिर रिकवरी और हम फ्लैट बंद हो जाए, दूसरा केस हमने आपको बताया कि हम साइडवेज हो जाए, तीसरा केस है कि हम बहुत ज्यादा वोलेटाइल हो जाए इस रेंज में। ये 3 चीजें हो सकती हैं निफ्टी में। अब जो मुझे लगता है कि हमें जो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए, थोड़ा स्ट्रैटेजी की भी बात कर लेते हैं। स्ट्रैटेजी की अगर हम बात करें तो मेरे हिसाब से हमें जो स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए वो ये रखनी चाहिए कि अगर हमें निफ्टी 14,000 के जोन्स में मिलती है तो हम कुछ फरवरी की कॉलें खरीद सकते हैं। देखिए ये मेरी स्ट्रैटेजी, आप अपनी स्ट्रैटेजी बनाइए, हम वो शेयर कर रहे हैं जो एज अ ट्रेडर हम करते हैं, जो प्राइस एक्शन बोलती है वो स्ट्रैटेजी हम आपको बता रहे हैं। तो एक हमारा जो ट्रेडिंग प्लान है कि अगर 14,000 के जोन्स में जाती है निफ्टी तो हम कुछ कॉलें वगैरह वहां पे ऐड करेंगे। दूसरी एक जो इसमें आपको ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि अगर आपके पास पोर्टफोलियो, देखिए बाजार है, कुछ हो जाए, कुछ अगर ऐसी चीज आ जाए जो हम नहीं चाहते हैं, कुछ अनएक्सपेक्टेड हो जाए, तो पोर्टफोलियो वाले के लिए 2 सलाह है मेरे पास। एक तो वो ये कि वो हेजिंग कर सकते हैं, ठीक है, एक तो आप है ना हेजिंग कर सकते हैं, और अगर हेजिंग के लिए आप कुछ पुट्स वगैरह ऐड कर सकते हैं। आप जब पुट्स खरीदें तो ये सोच के खरीदिएगा, अगर ये गल भी जाती है तो कोई बात नहीं, इंश्योरेंस है, प्रीमियम पे कर दी, नॉन रिफंडेबल है, बाजार ऊपर चलेगी तो ये प्रीमियम हमको इसमें एडजस्ट हो जाएगी। दूसरी बात, या तो आप ये कर सकते हैं कि आप अपनी कुछ पोजिशन हल्की करके कुछ पोजिशन को विदाउट पुट्स कैरी करें, तो है ना, ये 2 choices हैं आपके पास, आप जो भी करना चाहे। मेरे हिसाब से हेजिंग इज अ बेस्ट सोल्यूशन, अगर मार्केट का ट्रेंड खत्म नहीं हुआ है तो यू शुड बेटर गो फॉर हेजिंग स्ट्रेटेजी। अब ये 3 केसेस की हमने बात की, आपको निफ्टी की स्ट्रेटेजी बताई कि वहां पे हम उस जोन में 14,000 के जोन में एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। बैंक निफ्टी की हम बात करें तो बैंक निफ्टी का केस थोड़ा और अलग है, क्योंकि बैंक निफ्टी में ये जो हाई था इसको बैंक निफ्टी ने आज यहाँ पे टेस्ट कर दिया है इस जोन को। अब बैंक निफ्टी में 2 चीजें हो सकती है, या तो बैंक निफ्टी इस जोन में जाके साइडवेज हो जाए, ज्यादा ऊपर जाने का अभी तो नहीं लग रहा है, लेकिन पहली चीज ये हो सकती है कि बैंक निफ्टी यहाँ पे जाके साइडवेज हो जाए और ये 31,000 का जो जोन है इसमें ये साइडवेज हो जाए, एक जोन बना ले 30,500 से लेके 31,500 को, और इसी में साइडवेज करके 3 दिन बिता दे। दूसरी चीज ये हो सकती है कि अगर निफ्टी वहां 14,000 जाती है, जो हमने वहां पे केस डिस्कस किया, तो फिर उस केस में निफ्टी बैंक जो है 29,900 से 30,000 तक का हमको करेक्शन मिल सकता है, जो कि अभी तक का मैक्सिमम एक्सपेक्टेड करेक्शन है। तो दूसरा केस ये हो सकता है कि निफ्टी फिर हमको बैंक जो है हमको वो 30,000 के इस जोन में मिल जाए और यहाँ पे आती है, तो फिर हम यहाँ पे एक्यूमुलेशन का शुरू कर सकते हैं इसमें। तो निफ्टी बैंक में ये 2 केसेस हैं, और भी अगर कुछ होता है तो आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी, लेकिन फिलहाल ये 2 चीजें निफ्टी बैंक में और 3 केसेस जो है
बैंक निफ्टी में लग रहे हैं, स्ट्रेटेजी है। अगर वहां 14,000 के जोन्स में जाती है तो आप अपना एक्यूमुलेशन फेब्रुवरी कॉल्स का शुरू कर सकते हैं। निफ्टी बैंक अगर इस जोन में आती 30,000 के, तो यहाँ पे हम अपना एक्यूमुलेशन स्टार्ट कर सकते हैं और स्लॉट में करिए 30-40% धीरे धीरे करके एक्यूमुलेट करिए जब तक कंफर्मेशन नहीं आ जाती है। तो इस तरीके से हम कुछ अपनी स्ट्रेटेजी रख सकते हैं। ओवरऑल अगर हम देखें निफ्टी निफ्टी नेक्स्ट 50 देख लेते हैं, निफ्टी जूनियर की बात कर लेते हैं थोड़ा। देयर इज निफ्टी नेक्स्ट 50, ये निफ्टी जूनियर है। निफ्टी जूनियर ने देखिए ये एक्सपेक्टेड था मुझे आज के सेशन में, पिछला जो लो लगाया था इसको काटा और ये यहाँ पे क्लोज हो गई। तो निफ्टी जूनियर भी ऑलमोस्ट अपना एक करेक्शन कंप्लीट कर चुकी है जो आज का बनाना चाहिए। और अगर निफ्टी में और ज्यादा करेक्शन आता है तो फिर ये इस जोन तक 3,230 तक आ सकती है, एक 600-700 पॉइंट और करेक्शन कर सकती है। अगर ये इतना करेक्शन कर लेती है तो इसका ये करेक्शन वाला जोन जो है कंप्लीट हो जाएगा। निफ्टी मिड कैप हम देख लेते हैं एक बार, मिड कैप 50 देखिए, इस ये लो था, ये लो था 6106 का, आज का 6120, तो ये थोड़ा सा बाकी अभी नीचे आना। मिड कैप जो है इस जोन तक 5954 यहां तक अभी मिड कैप आ सकता है। और स्मॉल कैप देख लेते हैं हम, निफ्टी स्मॉल कैप, दिस इज निफ्टी स्मॉल कैप 100, तो स्मॉल कैप ने ये लो के नीचे नया लो लगा दी। स्मॉल कैप में भी अभी जगह बची हुई है, ये 7011 तक आ सकता है। तो थोड़ा थोड़ा स्पेस हर एक इंडेक्स में बची हुई है, इसलिए मुझे लगता है कि हम एक बार, जो मोस्ट प्रोबेबल केस मुझे लगता है कि हम एक बार 14,000 के जोन्स में जा सकते हैं। वहां पे सभी इंडाइसेस की भी करेक्शन पूरी होगी, हमारी भी करेक्शन पूरी होगी और फिर वहां से हम एक बजट का ट्रिगर लेके एक लंबी यात्रा के लिए वहां से निकल सकते हैं। तो इस प्रकार का हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी का व्यू था। आपको वीडियो कैसी लगी वो जरूर एक मिनट का टाइम निकाल के, मैंने आपके लिए आधे घंटे का टाइम निकाला, आप एक मिनट का टाइम जरूर निकालें और हमें इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके अपना फीडबैक जरूर दें। आई विल पर्सनली रिप्लाई ऑल ऑफ यू। इस नंबर को ध्यान रखें, 9171166445 पे कॉल या व्हाट्सएप जरूर करें। और 6th और 7th ऑफ आप में से जो ट्रेडर्स हमारे साथ ट्रेड करना चाहते हैं, हमारे पेड चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, दिस इज आर पेड एजुकेशनल चैनल जहाँ पे हम अपने ट्रेड्स, उसका रीजन और मार्केट में क्या फॉर्मेशन है, सारी की सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर करते हैं। तो आप डायरेक्टली हमारी वेबसाइट से ज्वाइन कर सकते हैं। एक हमने आप सभी के लिए कोर्स निकाला था, प्रो प्राइस एक्शन ट्रेडर। पहले हमारा जो ट्रेनिंग थी वो था प्रीमियम प्राइस एक्शन ट्रेडर, दिस इज अ प्रो प्राइस एक्शन ट्रेडर कोर्स। 2 दिन की ऑनलाइन ट्रेनिंग है और 3 मंथ्स का सपोर्ट और 3 मंथ्स की वैलिडिटी मिलेगी आपको, रिकॉर्डिंग्स का 3 मंथ्स का एक्सेस मिलेगा। तो ये कम प्राइस का हमने उनके लिए निकाला जिनको ज्यादा प्राइस जो नहीं पे कर सकते हैं। तो अब 6th और 7th फरवरी को जरूर ज्वाइन करें हमें प्रो प्राइस एक्शन ट्रेडर प्रोग्राम में, आप सभी का बहुत स्वागत है। और उसके लिए आप हमें इसी नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके अपनी सीट की बुकिंग कराएं। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही, आपको कैसी लगी वीडियो नीचे कमेंट करके कॉल या व्हाट्सएप करके जरूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस, मे गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय एंड टेक केयर।